हमें बताओ तब। हाँ भारतीय किसान यूनियन बीजेपी के नेता कह रहे हैं मोदी जी के पास हर ताले की चाबी है। होने वाला चाबी तो हमें दिखा दे, यू कैसा बावड़ा छोड़ा हो रहा है, हम देखेंगे उसकी चाबी, हम देखेंगे यार। कोई बावड़े पड़े की बात कह दी तुमने, हम अड़का देखेंगे उस चाबी को, उसका चाबी यार बड़ा चाबा है। बता कहीं करोगे ये आपने कही है कि उसके पास चाबी है? हमने नहीं कही, बीजेपी के नेता। अरे बीजेपी के नेता तो खैर कह रहे हैं, और हमारे पास चाबा है का? कैसा चाबा है? उरा सुना है तुम्हारा चाबा, हम जब उरा फिर वाई देखे यू बावड़ा पड़ा, क्या लोकतंत्र तू चाबा हमारा फेल हो जाएगा, ये किसान फेल हो जाएंगे। अब क्या लाल ये मैं उसने हाथ घेर दिया मुहा की पिंडी में नहीं घेरा, अब क्या पता चल जाएगा क्या होने वाला है। वो कह रहे मुट्ठी भर की तैयार है ये, बावड़े पड़े की बात कर रहा, पूरे हिंदुस्तान का कारवा लेके कन्याकुमारी जम्मू कश्मीर महाराष्ट्र बंगाल सड़कों पे रुके तो रहो, अभी आ जान दो 20 तारीख को, 20 जनवरी आ जान दो, 26 जनवरी। अरे 20 की हम तो पहले 20 ही करेंगे, 26 बाद की बात करेंगे। 20 लो ये कारवा दिख जाएगा साथ तुम्हारे, ये जो लेने वाले हो ना ये फोटो से लिए, तुम कम पड़ जाओगे, किसान कम नहीं पड़ेंगे। सरकार कह रही है कुछ किसान है और किसानों का भला भी नहीं होने दे रहे। ए भैया मतलब मेरी 70 साल की उम्र है और मैं अपने हित को मैं जानता ना हूँ क्या? और ये करे ना, अरे वो तो बावड़ा पड़े की बात कर रहा है, मेरी आयु बार बार हमें वही बात उसके पास पढ़ा रहा, हम ना मानना उसकी बात चलती भी, हम अड़कर रहेंगे उसके खिलाफ। प्रधान सेवक तो वही बात तो मान होने दे के, प्रधान सेवा कब कहेगा वो हटाना भी तो हम जाने हैं या जनता जाने है, जो जनता है 4 साल हटाने में भी जैसा 4 ही लग जाएगी, जब की है हम 4 साल लोग यही पड़े रहेंगे, मारा के बिगड़ रहा। 2022 का चुनाव ही करेंगे, सिंह पता कैसे करेगा, मतलब क्या 2022 का करेंगे, 22 का खुल के बता रहे हैं। आपका वोट कैंसिल भी हो सके, होना जैसा वोट कैंसिल वो कैसा कर देगा, उसके हाथ में धरी है, हम देखेंगे उधर जुड़ा भाई कैंसिल करा वोट तो गाँव में ना, होना जैसा गाँव में भाई कैंसिल कर देगा वो है ताकत। आप यहाँ रहोगे तो सुनिए, वोट गेरिया मारी वोट तो किसी की ताकत नहीं है, ये मुहार की पिंडी नहीं है, ये लाल ततैयों का छत्ता जो हमारी वोट कैंसिल करा देगा वोट, ये बिल्कुल साफ बता रहे हैं। अब जो हाथ उसने घेरा है इस टाइम लाल ततैये के छत्ते में घेरा है। तब 3 साल की बात है, मान जाओ आपके फायदे में बात है, हम ना मानना लाला बिल्कुल भी ना मानना, ना मानना ना मानना, पता के करेगा, हम अड़कर रहेंगे, खिलाफत करेंगे उसकी पूरी। आय दुगनी हो जाए तुम्हारी। ओरे देखियो रे, ओरे देखियो, ओरे मुंजी बिक रही है 1100 और पहले भी कर रही 4000, अब दुगनी हो गई, आधी हो गई, 1/4 होगी, 1/4 मुंजी तो बिकी के नाम है 1100 और कभी पहले बिकी 3-4-10 साल पहले 5 साल 4000। प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा कि हमने लागत का 1.5 गुना दिया इन लोग। ओरे देखियो भाई भावड़े पड़े की बात कर रहा, सुनियो राख तना दुगना भी ना है या तमना दुगड़ा भी जा रहा, बाल को बताइयो रहा है मेरे यार, तू लाला ऐसी बात बैठे मात्रा कहेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है मारे आगे, कौन है मेरा आगे प्रधानमंत्री, कोई वो आ गया वो कोई लंदन से पैदा हुआ है, वो भी तो यही हुआ भारत वर्ष में, नरेंद्र मोदी नाम है। अरे सुन तो ले मेरी बात, चाहे दामोदर ना उसका लगा दे तू पुरुषोत्तम राव, पता क्या करेगा, पर सुन ले मेरी बात क्लियर है, तो वो भी भारत में जन्मा और हम भी भारत में जन्मे हैं। अब क्या हमारी उसकी बात तो खालिस्तानी बता रहे सरकार आप, ऐसा हमें तो उन्हें कहेगा खालिस्तानी भी है पाकिस्तानी भी है, उसके कहने से तुम देख लो बता रहे हो जाएंगे हम। अरे मान जाओ आप तो वैसे भी नेपाल से लगते हो। अरे सुनिए या और मेरा ना, अरे बेटे क्यों मेरा बुढ़ापे में कर रहा है, मेरे बेटे 70 साल की उम्र बिल्कुल झूठे बिल्कुल झूठा नेपाल, जैसे मेरा नाम नेपाल है मैं मान रहा हूँ, पर मैं नेपाल तो आ गया, मैं मोदी नगर के पास मैं छोटा सा गांव है बेटे,
उसमें जन्म लिया बहुत गरीब परिवार में। मेला देखने हैं? मेला देखिए, हम यहाँ ठंड में पड़े हैं, जाड़े में पड़े हैं, पारे में पड़े हैं, यूं बता रहा मेला देखे बेटे, मेला बता सुन ले, मेला नहीं है, यू हिसाब का सबक सिखाने का हकूक है। मीडियम दिखा रहे हैं कि मेला लग रहा है भाई, वो तो अपने कपड़े खा रहे हैं। पिज्जा खा रहे हैं आप लोग? है बेटे, पिज्जा खा रहे हैं कह रहे हैं। अरे बेटी ईद के नाम है, मैं तो दो दिन भी हो जा चार दिन में भी रोटी एक बार खाऊं बेटी। वो जो झूठ बोल रहा है इतना निकम्मा आदमी, हमें तो 8-8 दिन में नहीं खाते। अरे हमने तो 10 दिन हो जा, हम मोदी के भी गुरु है, 9 दिन में अरे हमें तो 10 हो जा, पता कैसे करेगा। कानून उल्टा ना होगा सारा चाहे हमें कितने दिन हो गए बेटे मानने वाले नहीं है। एक मेरी पोती है वो फीस की कह रहे, मैं कहने लगा लाली मार तो गन्ने के पैसे ना मिले, इसु भी छोटी सी है भैया, सुन 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 चल 16 रुपए में के काम हो जाएगा बेटे, तू ही बता दे, चल मैं तो तेरी मान लूंगा। अरे सुन ले, हमें उसकी जरूरत ही ना, वे अपने वापिस ले लो। अरे हम तो अब भी मना कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं। 6,000 रुपए मिलते तो हैं। अरे क्या हो रहा है मेरे यार, हमारी फसल के पैसे मिल जाओ जिसमें हम कुमा में है काम करे, हमारा तो हुआ सब कुछ है वो इंसान का, और हमें ना उसकी जरूरत है कि भारी फसल के पैसे मिले। तुम पूछ रहे थे भैया, हमारा हक जो चाहिए वो तो हमें मिल नहीं रहा, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपने खून पर जिन्ने कमा रहे खाने वाले मजदूर किसान। अरे जो हम 3 मांग हमारी बाबा भी ले लो, हमारी कोई लड़ाई नहीं पे। अरे इन कानूनों से तो हो गए आपके आए दोगुने। कान इन कानून से इनका हमें ना चाहिए, जब किसान मना कर रहा है कि मुझे दुगनी नहीं चाहिए तो क्यों जबरदस्ती निपट रहा है मोदी, ये मोदी के बाप का राज है, राज की औलाद राज करेगी, जो पहले बिरसा जनता तंत्र है, ये जनता जनता 4 सालों में बदल देगी। जो चुनका भेजे उन्होंने समर्थन दे दिया, ठीक है वो तो उन्होंने दे दिया होगा, जनता ने नहीं दिया। वो आपका समर्थन है वो? किसका? आपका समर्थन तो हमारा समर्थन, हम मना कर रहे हैं, हमें दुगनी नहीं चाहिए, हम नहीं चाहती, हम तो उसी खाने में रहते पहले थे, अभी कर दो। मोदी जी से क्या हो गया, अच्छे दिन लाना चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए पूरा दिन दे दो, हमारे बाबा हमारा तो पूरा दिन जा रहा है, हम तो पूरा दिन चाहिए। किसान नहीं चाहता तो क्यों नहीं पट रहे जबरदस्ती? देखो सुनो सुनो, मोदी जी के साथ हो गई है सुवाली के, एक आदमी गया पजामा सिलाने टेलर के, उससे गलती खराब सिल गया, अब वो कह लगा पजामा ठीक नहीं सिला यार पजामा, देख कह रहा कच्चे के ये फायदे, कच्चे के वो फायदे, कच्चे के वो फायदे, रहे पजामे की बात कर, पजामे की सिलने पजामा दिया था, कच्चा दिया था, अगर गलती होगी मान नहीं रहा, अरे एक ऑप्शन हम दे दे रहे, चलो प्रधानमंत्री उसका पद का सम्मान है, अमित शाह पे टाल दे कि इसने 2 पैक ज्यादा दे दिए, रात हैंगओवर में साइन कर दिए, हैंगओवर में साइन कर दिए, अरे हम पर रस्ता आएगा, हम पर रस्ता आएगा, मोदी की भी इज्जत बच जाए, हमारा भी काम हो जाए। अमित शाह सारी वो करता गड़बड़, उसके उसी के नाम पर रख दे टोकरा कि इसने रात 2 पैक फालतू दिए। तो गौमूत्र पीते हैं, शराब नहीं पीते? रामदेव का गौमूत्र, रामदेव का, ये रामदेव का पिशाब पी के बिगड़े, ये दोनों रामदेव का पिशाब पी के बिगड़े। देखिए ये इन्होंने क्या करा, रामदेव भी नहीं वो बोल रहा कुछ, जब से उसके ऐसी दहशत बढ़ी है, जब से वो सलवार पैर का भगा, ऐसी दहशत बढ़ी है, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं, वो अपनी कंपनी बढ़ाने पे लग रहा, 300 करोड़ की थी जब भाजपा ही थी, 12,000 करोड़ की हो गई, कहाँ से आ रहे पैसे, कहाँ से आ रहे पैसे, हिसाब ये पैसे, भाइयों बहनों भाइयों बहनों भाइयों बहनों, देखिए जो अन्नदाता है, जो देश के 90-100% किसानों का गुजारा करता, जिसे कहते हैं अन्नदाता, उसे तो कह रहा भिखारी, उसे कह रहा के नाम है व्यापारी, वो है लूटडू, लूटडू है, लूटडू लूटडू जो कौन है। अब ऐसा माहौल है जिसकी बात कर रहे हैं अन्नदाता के, उसका काम से वोट डालने का बचा। अरे निश्चिंत रहे, अब जब बेटे हमने 1300 कह दिए, बार बार मत ना कवा भाई, अब क्या इसका नाश कर देंगे हम, 1300 बिल्कुल हाथ ठाक है, हाथ ठाक है कह रहे हैं बेटे, जीत रहे हैं। अरे भाई सुन तो दे बेटे, पता चल जाएगा, तू निश्चिंत रहे, अब उसका
जो समझान के गांव में एक भी आ जाओ हम देखेंगे उन्हें गांव में एक भी आ जाओ एक भी ना आवे पूरा सारे आवेंगे सारे आवेंगे। अभी तो हम भी बतेरे हैं, अभी तो लाल ततैया हम भी बहुत हैं, अभी तो हम उनके के नाम है ऐसे काट खावेंगे लाल ततैये अब उनको ठीक कर देंगे सब यही आवे। पूरा यार देखिए बेटा यू 70 साल की हुआ मेरा, मैंने 70 साल हो लिए और मैंने जीना 128 साल और यू कह रहा हूँ तो तेरा हो 128 साल जीऊंगा। मोदी को भी मार का है, देख ले 128 साल योगा करते हैं आप नहीं करते हैं। बोला मैं तो इतनी योगा करूंगा मेरे जितनी तो जिंदगी में ना करा है, मैं रामदेव क्यों करूंगा, मैं रामदेव का भी गुरु हूँ। बोला देखिए हम योगा सारी जाने भला रामदेव की बात कर दे है, ठग्गू बज्जू हम है अंदाता हम है किसान है बेटे। ये देखिए मेरे पास इससे बढ़िया लंगोटी के मेरे बेटे यही कुर्ते है, इन आली धो के हद तक आ जाऊंगा। मोदी जी कहते हैं कि ये किसान है अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। अच्छा तू एक बात बताइयो अच्छा है तभी बता दे बेटे क्या अच्छा है भाई, बिल्कुल झूठा निकम्मा है बेटे। और देखे वे ही कपड़े हैं हम पहन के प्रधानमंत्री ना मिलने पूरे हमें ना जाऊ इतना गंदा इतना बुरा प्रधानमंत्री आज तक ना आया, आज तक नहीं आया। कहते हैं पहले के प्रधानमंत्री बोलते तक ना आए, अब देखो ये किसानों से बात करते हैं। और पहले तो हमने बुलाए रहे हमारे जो हाईकमान के है अध्यक्ष आज हमारे बीच में नहीं रहे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जिका मनमोहन जी के ने उसके न्यू पैर दाबे थे वहाँ बुलाए बुलाया हमारी सलाह लिए कर हमारे अध्यक्ष की। और अभी हमें बुला अब इसकी से बुलावा है मुकेश अंबानी आपको ये तो हम उसका विरोध कर रहे। देखिए हम बुलाए हैं हम अपना पैदल आ रहे ट्रैक्टर से आ रहे, वो तो मुकेश अंबानी टाटा कौन है उनको बुलावा अडवाणी सरवाणी हमें ना बुलाता, हमें कहीं बुलाता तो हम आज ये विरोध कर हम तो अपने रास्ते से आए हैं पैदल आए हम अपने रास्ते से कहाँ बुला लिया हम तो यार फिर भाई कह रहा हम अपना विरोध कर रहे हैं। बताओ 26 जनवरी आ रही है आप घर जाओगे कैसे करोगे? बोले देखिए हम ना जावे ना जावे ना जावे ना जावे हम पे भारत माता का झंडा हाथ में रहेगा और हम उसे ये देखेंगे इस भारत माता का झंडा जब नहीं उठेगा अक मोदी हम पे के नाम पानी बरसाओ है। तो अब आप एक चीज सुन लो सुन तो ले अगर वो हम पे बहुत चार बार छावेगा तो ये मान लो देशद्रोही मोदी है ये किसान नहीं गोले आंसू गैस बरसेंगे तो जब भी फायदे किया पड़े मर जाओ मारा के बिगड़ गया। और बात सुन ले हम यहाँ बीच में खड़े अगर गोली मारता तो मार लेंगे जो कुछ वार पार के कुश्ती है गोली कहा मारने को तो कहने हम किसानों को मजबूत करना आप गोली मारने बोले मजबूत कह दे यू बता भाई लाला बार बार बोला हम तो इतना मारा तो ढेर कर दिया भगवान के सम खा रहा हूँ कसम 70 साल की उम्र में हमने ऐसी सरकार नहीं। अरे जेब कतरे जेब काट के नुकरे पैसे बैंक में डाल देंगे ऐसा बेटी नहीं पहले जेब काटते हैं फिर कहते खाते में भेज देंगे 1000 रुपए कुंटल की मुंजी में जेब काट ली जिसके 50 कुंटल है 50,000 की दे दिए 2,000 ये जेब कतरे जेब कतरे ये 15 लाख नहीं है 15 लाख आए थे आए थे आए थे भैया इतने जोर की सरकार है इतने जोर की सरकार है पहले तो हमारे पहले तो हमारे खाते CBI से जांच करवा के मंगवा के जबरदस्ती 15 लाख डाल दिए अभी तक वे खर्च नहीं हुए थे तो फिर युवा ढूंढे ने 2 करोड़ जब 2 करोड़ युवा नहीं मिला देश में तब बिना आर्मी लगाई युवा पकड़वाए 2 करोड़ को रोजगार दिया जबरदस्ती अब यो कानून दे रहा जबरदस्ती यो कुमार जी आपने भी मूंजी धान की बात करी बीजेपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसानों ने धान लगा लगा कर नीचे का पानी खत्म कर दिया सारा बीजेपी मैं कह नहीं रहा इसमें आधी आधी पार्टी में गधे हैं गधे ये अरे मुंजी ना होगी खाओगे के डले कह रहे पानी का स्रोत खत्म कर दिया पानी का स्रोत मुंजी से हुआ खत्म यानी कि नाचने वाली नाव है 10 कुंटल पानी में वहाँ फुहारे लगा के वहाँ ना हो रहा पानी खत्म हमने पानी सूख दिया उल्टी बात कर रहे हैं ये आधी पार्टी में गधे भर्ती कर लिए गधे दो दो बार सीएम बन के गधे बता रहे हो सीएम इस देश में राबड़ी देवी PhD करने गई थी वो अभी मुख्यमंत्री बनी उसने कौन
मेरे साथ पीएचडी करी थी, तो लहर है जनता को कोई बका ले, शरीफ जनता अब बताओ अब क्यों आ रहे दिल्ली से बाहर, अब बात करने क्यों ना आ रहे, जनता जाग गई है, गांव में पहले चोरी हुई करी, तो जब गांव में जाग पड़ जावे ना चारों कोण पे लठ लखड़े हो जावे, लिगड़ कंगा को जागा जाग पड़ गई जाग, तुम पूछ रहे मोदी पे चाबी हम पे हथौड़ा हथौड़ा हथौड़े से ताले को पीट के जाएंगे, जो लोकतंत्र का हथौड़ा हथौड़ा यही फिट करके जब जाएंगे इसे चाबी है इन पे, इन्हें इनकी इसको सदबुद्धि दे भगवान, मोदी जी गलती मान लो, किसान से गलती मान लो, अपना कानून उल्टा ले लो ना, तो गोला लाठी लगा के यो सरकार का गोला लाठी लगा के जाएगा किसान, नाक छोड़ के जाएगा नहीं होगा, सरकार पूरे निर्णय लेके बैठी है किसान वापस जाना। देखो जब देश में आजादी का आजादी की रुत शुरू हुई थी, अंग्रेज भी नहीं कहवे कि देश आजाद नहीं होगा, कैसे हुआ इस देश में, इस देश में पूरा देश होगा, यूं कोई भाग गया, देखिए हमने कोई मोल जाने कोई बालक पूरा देश है, अंग्रेजों से ज्यादा रहेंगे किसान, तंदरे वो कौन है उन्हें भी तो मामला एक आधा होगा, कोई भी हां मेरे यार एक आधा पकड़ जावे कोई अट्टू चट्टू आप एक जवाब के किसान चौधरी खड़े हो जाए, बोला एक भी हां तो सही गुमराह हो गया, सुन तो वे आके यहां पड़े तो सही महाराज दौरा जैसा हम पड़े हैं, अगर वे किसान है तो पड़े यहां आके, अरे भाजपा का पदाधिकारी है कि किसान है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि दो साल के लिए कम से कम कानून चलने दीजिए, फिर अगर नवा चलन दे नवा चलन दे राजनाथ ना चाहे साजनाथ कह दो हम ना चलन पिताजी ने भी खेती ना करी, हम तो दादा लाई खेती करते आ रहे हैं, अरे वे तो सुन ले बस रहन दो जैसे कहे हैं, जो ठग्गू बज्जो हम पे मत ना करो, ट्रैक्टर लेके पहुंच गया पूरा ट्रैक्टर तो कोई भी चला लेगा, या कोई बात है की, अरे सुनो देखो पूरी सरकार ने निर्णय बनाया, आप जैसे बुजुर्गों को बुला के वो एक बहुत अच्छी पार्टी देंगे, और आप 3 साल के बाद बात मान लो, सुन ले ना उसकी पार्टी खावे ना हमने उसकी चाय की जरूरत, ना हम चुनाव में खाए करते, हम तो वोट दे दे है राजनीति का। अच्छा और सुन ले मेरी बात, अपने हित को हम जाने कानून, हम ये जो तीनों उल्टे लेंगे इतना वो उल्टे ना लेगा, हमें सुझाव है ना तो बता कैसे ना मानना, वो मानना का हमारी हम क्यों मान ले बता, देखिए यू हम तो यू कह रहा था नक्शा बालक अगजू का तुम बात मान लगा दो किसान